नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल दोस्ती पक्की पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिग बॉस 11 में एंट्री कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं बिग बॉस में जाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ही की तरह मैं भी बिग बॉस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी विश है कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाऊँ, वहाँ रहूँ और जो फेम वहाँ जाकर मिलता है वो मुझे भी मिले। लेकिन सबसे जब मैंने ये सोचा कि ट्राई करा जाए बिग बॉस के घर के अंदर जाने का, तो मेरे दिमाग में पहली जो बात आई वो थी ये कि एंट्री कैसे करी जाए, कैसे अप्लाई किया जाए ऑडिशन के लिए, ऑडिशन कैसे दी जाए। तो उसी वही बात मेरे दिमाग में आई और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे रिलेटेड कि आप कैसे घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं बिग बॉस के। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, वो सब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा ताकि आप भी एंट्री कर सके, चांस आपको मिल सके एक बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले आपको करना है वो ये, आप अपना एक बढ़िया सा वीडियो बना लीजिए। उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखिएगा, बढ़िया रखिएगा। उस वीडियो में आप वीडियो बना सकते हैं आप 3 मिनट तक का, और साइज उसका रख सकते हैं 50 MB तक। वो यही लिमिटेशन है इस चीज़ की, 3 मिनट तक का वीडियो और साइज 50 MB से ऊपर ना हो वो आप अपलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, वीडियो बनाते वक्त आपको ध्यान कर रखना है ये कि आप शो में कैसा दिखना चाहते हैं, किस कैरेक्टर को लेकर आप शो में जाएंगे, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपनी वीडियो में। जो मेकर्स हैं बिग बॉस के, जो सिलेक्ट करते हैं या फाइनलाइज करते हैं कंटेस्टेंट को, वो क्या देखते हैं, वो कैरेक्टर ही देखते हैं। आपने अगर बिग बॉस को फॉलो करते हैं क्लोजली मेरी तरह, तो आपको पता होगा कि बिग बॉस के हर सीजन में, हर शो में अलग अलग कैरेक्टर के इंसान होते हैं, लोग होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं। कोई एंटरटेनिंग होगा, कोई कॉमेडियन होगा, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैल होगा, या कोई फिर घटिया किस्म का आदमी जैसे बाबा था इस बार, उस टाइप का आदमी होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है वीडियो बनाते वक्त ही कि आपको क्या करैक्टर लेके जाना है घर के अंदर। ये बहुत हेल्प करेगा दोस्तों आपकी वहाँ एंट्री दिलाने में, ये चीज़ करैक्टर अगर आप अपना शो करेंगे तो। तो ये तो रही बात करैक्टर की, अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो बना लिया, पहला काम आपने कर लिया, उसके बाद आप जाइए उनकी वेबसाइट कलर्स की, www.colorstv.com पर। आप वहाँ जाके आपको एक कॉलम मिलेगा रजिस्ट्रेशन का बिग बॉस में, वहाँ जाके आप एक फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहीं पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, आप वेबसाइट उनकी खोल सकते हैं। दूसरा ये है जो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, ये लिंक आप लिख लीजिए या इसका स्नैपशॉट लीजिए, ले लीजिए। इस पर जाने के बाद आप डायरेक्ट उनके फॉर्म पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। वो फॉर्म आपको फिल करना है, वीडियो अपलोड करना है, सबमिट कर देना है, फिर आपको वेट करना है उनकी कॉल का, उनके ईमेल का, उनके जवाब का। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में मैंने बताई थी रखने के लिए, ये वीडियो की क्वालिटी एक चीज़ हो गई, अपना करैक्टर चूज कर लीजिएगा वीडियो बनाते वक्त ही। यहीं से वीडियो देख के ही आपका पता चलेगा आपको वो एंट्री देंगे नहीं देंगे घर में। वीडियो में आपको अपना कैरेक्टर शो करना है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं जो मुझे पता लगी है, न्यूज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि बिग बॉस 11 जो होगा उसमें सिर्फ कॉमनर्स को लिया जाएगा। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर सच है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे चांस बढ़ेंगे बिग बॉस में जाने के। अगर नहीं भी लिया जाता तो कॉमनर्स को जरूर लिया जाएगा इस बार, आधे तो कॉमनर्स होंगे ही, क्योंकि बिग बॉस 10 की जो TRP है वो बहुत बढ़िया गई है दोस्तों। इस शो से हमारा चांस बढ़ गया है और भी जाने का बिग बॉस 11 में। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आप वीडियो बना सकते हैं,
क्या आप कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, क्या आप पर सूट करेगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके लिए जिनको नहीं पता कैसे अप्लाई करना है, लाइक करें अपने लिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरे लिए कि मैं और क्या बता सकता हूँ आपको, क्या जानना चाहते हैं, कहाँ कमी रह गई। दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद। तो देखते रहिए।